सत्ता चली गई, लेकिन विवाद और भ्रष्टाचार के पुराने मामलों का साथ नहीं छूटा। इस बार यूपीए 2 के लिए इटली की एक अदालत से बुरी खबर आई है। अगस्ता वेस्टलैंड सौदे की सुनवाई कर रही इटली की अदालत ने अपने फैसले में ये माना है कि सौदे में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें तब के एयर चीफ एस के त्यागी भी शामिल थे। 225 पन्नों के इस फैसले में सीधे सीधे यूपीए सरकार के कर्ता धर्ताओं पर उंगली उठाई गई है। फैसले में चार बार सिग्नोरा गांधी का नाम लिया गया है। सिग्नोरा इटालियन में महिला को कहा जाता है। उनके अलावा मनमोहन सिंह और ऑस्कर फर्नांडिस का भी नाम है। साफ कहा गया है कि तब की सरकार के रवैये से आज तक इस मामले का सच सामने नहीं आ सका, क्योंकि यूपीए सरकार उनसे सहयोग करने को तैयार नहीं थी। इटली की अदालत वहां के दोषियों को सजा भी सुना चुकी है। मिलान की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जांच में ये बात साबित हो गई है कि सौदे में भारतीय नेताओं और अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई। अदालत का कहना है कि त्यागी के परिवार को नकद और वायर में पैसे दिए गए, जिसमें त्यागी के 3 रिश्तेदार शामिल थे, जिसमें एक खुद सेना का अधिकारी भी था। इटली से आई खबर ने पूर्व यूपीए सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारत में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई त्यागी के खिलाफ जांच कर रही है। पूर्व नौसेना प्रमुख का नाम आने से पूर्व रक्षा मंत्री भी सवालों के घेरे में है, जिन्होंने दावा किया है कि तब इटली की अदालत से केस लड़कर डील के सारे पैसे वापस ले लिए गए थे। इस घोटाले की बात सामने आने के बाद पिछली सरकार के दागदार इतिहास की किताब और मोटी हो गई है। The BJP would like to ask a direct question today. Bribe givers have been convicted after trial by the appellate court. Why are the bribe takers silent? घूस देने वाले दोषी पाए गए। एपेलेट कोर्ट ने साफ साफ कहा, मैंने उसके ऑपरेटिव पार्ट को पढ़ा, घूस लेने वाले खामोश क्यों हैं? एके एंटोनी ने अगर मार्च 2013 में साफ साफ कहा कि करप्शन हुआ है, घूस दिया गया है, तो कांग्रेस पार्टी के वो वरिष्ठ नेता भी हैं, उनकी ईमानदारी के चर्चे भी होते रहे हैं, तो वो बताएं कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है।